नारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 225 नंबर के प्रबल कांग्रेस के दावेदार युवा और चिताखेड़ा पंचायत के सरपंच श्री राकेश जी जावरिया से प्रेस वार्ता में आपने क्या क्या काम करवाया है चिताखेड़ा पंचायत में और नागर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम करवा सकते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा प्रेस क्लब द्वारा की जा रही है। राकेश जी, आप विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार आपकी पहल और आप विधानसभा आपने भ्रमण के दौरान प्रकार से जनता से लिया है और किस प्रकार की वहाँ आप बात करके उनको आप अपने पक्ष में करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले साल देखा हमने पूरे मलाड का शिवलिया मंडी में जो किसान आंदोलन हुआ उसके तहत 6 किसान शहीद हुए, एक मेन बड़ा मुद्दा हम लेके चल रहे हैं कि किसानों को फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, पूरी तरह से किसान टूट चुका है। आज की स्थिति में किसान पूरी तरह से हताश है, निराश है और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं और देख रहे हैं हम जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भाजपा शासन है, भाजपा की सरकार है। इन मुद्दों को लेकर हम गांव 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 में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने क्या वादे किए थे जनता के बीच में जाकर, जो वोट मांगे थे इन्होंने, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे पर अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन और बुरे दिन किसानों के आ गए, आम जन के आ गए, आम पब्लिक। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण पर जाके और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया, पहले क्या भाव थे कांग्रेस के समय में, आज क्या भाव है, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को, इन सारी बातों को लेकर हम किसानों के पास जा रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि इतना टाइम आप कहाँ गए थे, अब चुनाव का माहौल आया ना आप गाँव में घूम रहे हो, उसके पहले कहाँ गए थे? पहले हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता थे श्यामलाल जोशी, हमने उनको नेता मान रखा था कि वो हमारे नेता है या कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हम पूरी यहाँ की जो कांग्रेस की विचारधारा लोगों में फैला रहे थे, कांग्रेस की जनजनता का कर रहे थे। लेकिन श्यामलाल जी जोगचंद सेनानी छे हमारी जो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस की जो आकांक्षाएं थी वो उनको पूरी तरह से नहीं उतर पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर आना पड़ा और हम जैसे भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसका तन मन धन से सहयोग करेंगे और कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हो रहे हैं, चिताखेड़ा में आपने क्या आप सरपंच हैं तो क्या वहाँ की जनता आपसे संतुष्ट है और आपने क्या क्या विकास के काम करे हैं, एक दो उदाहरण आप बताइए। चिताखेड़ा ग्राम पंचायत में मैं पिछले साढ़े तीन साल सरपंच, वहाँ पे सामान्य शीर्ष सरपंच मैंने वहाँ गांव में, मेरा मेन उद्देश्य है कि गांव में जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली पानी सड़क मेन मोटर रहा हमारा, उस पर हमने काम किया, हर पोल पे हमने प्रकाश व्यवस्था की, पूरा गांव हमारा रोशनी से जगमग है और हर गांव गली में हमने सीसी रोड काम किए हैं, दो चार गली ऐसी बची होगी जिसमें हमारा बचा हुआ कार्यकाल इसमें हम पूरा कर लेंगे, पूरा गाँव सड़क विहीन रहे आने वाले समय में। राकेश जी, किस आधार पर हमारा समाज का यहाँ पर वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, मेघवाल समाज का कम से कम 40 से 42 हज़ार वोट है, उसके नाते हम मांग कर रहे हैं कि मेघवाल समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस की जीतेगी, मेन मोटो ये। आपको क्षेत्र में घूमते हुए 2-3 महीने हो गए, आपने ऐसा क्या लगा यहाँ इस क्षेत्र में कि शासन की क्या कमी रही, आपकी दृष्टि में क्या है कि विकास काम कराने के बाद भी क्या यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट देगी? भाई, जनता ने उनको चुना है, ये उनका दायित्व बनता है कि जो क्षेत्र की समस्या है, गांव के जो बेसिक काम है, जनरल काम है, कोई भी जनप्रतिनिधि बनेगा, कोई किसी पार्टी का बनेगा तो उसको करना ही रहा है, पर मेन जो है बेरोजगारी है, किसानों की
समस्याएं हैं, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, ये सारी चीज़ें मेन हैं। इन इसकी तरफ बीजेपी सरकार का और यहाँ की क्षेत्रीय विधायक का बिल्कुल कभी रुझान नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री उद्योग धंधे सब काम नहीं किया उन्होंने, बेरोजगारी पूरी तरह से चरम सीमा पर, यहाँ पे रोजगार के लिए युवा टुकड़े कर रहे हैं, 1 लाख कितने खाली पड़े हैं SC ST के लोग, वो निकल नहीं रहे, लेकिन शिक्षिकाओं शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में मास्टर नहीं पढ़ाने के लिए व्यवस्थाएँ बहुत, जो स्कूल खुले हुए थे सरकारी उनको भी ये विलय करते हुए कम कम करते जा रहे हैं और निजीकरण की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, शासकीय जो योजनाएं उनको निजीकरण ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो ये सारी कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की। जगदीश जी देवड़ा यहाँ से 2 बार विधायक बन चुके हैं और मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने 1000 करोड़ के काम करवाए हैं, उसके बाद भी बीजेपी को हराने वाला उम्मीदवार अभी तक कांग्रेस को नहीं मिला है, तो अब क्या कौन हरा सकता है जगदीश जी देवड़ा? चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है, कांग्रेस कांग्रेस की वजह से हारती है, कांग्रेस में कहीं कहीं गुड़बाजी रहती है, उस वजह से कांग्रेस हारती है, बीजेपी ताकत नहीं जो कांग्रेस को हरा दे, कहीं पर भी चले जाओ आप, कोई से भी विधानसभा में चले जाओ, हमारी कहीं भी कमियां हैं पार्टी की, वरिष्ठ नेताओं की कमियां हैं, जो हमारे आपसी कार्यकर्ताओं में नेताओं में सामंजस्य नहीं क्या बात है, इस वजह से हम चुनाव हारते हैं, लेकिन ये सारी कमियाँ हम दूर करेंगे आने वाले चुनाव में और निश्चित रूप से हम विधानसभा और पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की।